हेलो, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला है अबाउट काइडो। मैं तुम्हें ये समझाने वाला है कि क्यों काइडो हारा लूफ़ी से, क्यों काइडो जीतने दिया लूफ़ी को। बहुत लोग बोलते हैं ना कि काइडो बोरिंग है, सिंपल है, ऐसा है वैसा है। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें आज गलत प्रूफ करने वाला हूँ। काइडो के कैरेक्टर को हम समझने वाले एकदम डिटेल में, मांगा स्पॉयलर्स बहुत होने वाले वीडियो में, इसलिए वानवार्क पूरा रीड कर रखा है, तभी इस वीडियो को देखो। एंड लेट्स बिगिन। This video is sponsored by Anime X Wallpaper. If you are an anime fan, then I'm sure तुम्हें anime wallpapers का शौक होगा ही। एंड ये जो एप्लीकेशन है Anime X Wallpaper, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे wallpapers मिल जाएंगे हाई क्वालिटी के फॉर योर मोबाइल फ़ोन एज वेल एज़ फॉर योर PC। एंड यहाँ पे तुम्हें इतने सारे anime के wallpapers मिल जाएंगे ना, वो भी इतने बल्क में भाई, लाइक पॉपुलर से लेकर अंडररेटेड तक यहाँ पे सब अवेलेबल है। वॉलपेपर्स की कभी कमी नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये ऐप तुम्हें मिल जाएगा प्ले स्टोर में, एंड वो भी फ्री में। डिस्क्रिप्शन में मैंने एनिमे एक्स वॉलपेपर का लिंक डाल दिया है, गो एंड डाउनलोड इट। बाय द वे, इधर पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा लाइव अटेंड किए हैं पहले, तो जो मेरा गट्स वाला वॉलपेपर है ना, वो मैंने इधर से ही डाउनलोड किया था। गो एंड गेट सम क्रेजी वॉलपेपर्स फ्रॉम एनिमे एक्स वॉलपेपर। अच्छा, मैनी ऑफ यू थिंक ना कि लूफी ने काइडो को पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ से हराया है। मैनी ऑफ यू थिंक लूफी काइडो से स्ट्रॉन्ग हो गया था ओनिगाशिमा वॉर के एंड में। ये कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी। लूफी ने डेफिनेटली काइडो को अपनी स्ट्रेंथ से ही हराया, एंड वो उसे लास्ट में डोमिनेट भी कर रहा था। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट काइडो टिल द एंड अवेकनिंग नहीं किया अपने फ्रूट का। अगर वो अवेकनिंग करता तो नॉट ओनली वो और स्ट्रॉन्ग होता, बट वो तुरंत हील भी हो जाता। जोआन अवेकनिंग के हीलिंग पावर्स क्रेजी होते हैं। लुच्ची काकू लूफी के हीलिंग पावर्स देख लो आफ्टर अवेकनिंग। लेकिन उसने अवेकनिंग नहीं किया। क्यों वो लूफी को लास्ट में जीतने दिया? क्यों वो लूफी के थ्रू खुद को हरवा लिया? वेल, इसे तरीके से समझने के लिए हमें पहले काइडो एंड उसके ड्रीम को समझना पड़ेगा। काइडो का ड्रीम, इफ़ यू डोंट नो, था टू चेंज दी वर्ल्ड। बचपन में काइडो को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके किंगडम वाले इतने स्ट्रॉन्ग होकर भी वीक सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पीछे भागते हैं एंड उनका गांड चटाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गर वंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीकर वंस को प्रोटेक्ट और लीड करने का, एंड वीकर वंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रॉन्गर वंस को फॉलो करने का। ये आइडियोलॉजी अगर तुम देखने जाओ तो उसके क्रू में भी दिखता है। किंग स्ट्रॉन्गेस्ट था आफ्टर काइडो, इसलिए वो फर्स्ट कमांडर था, फॉलोड बाय क्वीन, जैक एंड टोबीरोपोस। एंड हर टोबीरोपो कमांडर बन सकता था अगर वो किसी कमांडर को हरा दे तो। काइडो के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग कभी भी एक वीक को फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये रूल अपने क्रू में भी अप्लाई किया। एंड तुमने ध्यान दिया कि काइडो कभी भी अपने क्रूमेट्स को बुली या फिर उनके साथ मिसबिहेव नहीं करता था, एज लॉन्ग एज वो उसे फॉलो कर रहे हैं। दिस वॉज बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्गर वंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीकर वंस को प्रोटेक्ट करना। काइडो रिस्पेक्टेड द स्ट्रॉन्ग पीपल। एग्जाम्पल है वाइट बियर्ड, रॉजर, ओडेन, बिग मॉम। बिग मॉम को बुढ़िया बोलता है वो, बट पावर वाइज ही रिस्पेक्ट्स हर। एंड काइडो ओनली फॉलोज दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन हिम। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज रॉक्स। जब काइडो किंग से फर्स्ट टाइम मिला था, ही वॉज वेरी एम्बिशियस फॉर हिज ड्रीम। उसे यकीन था कि वो पूरी दुनिया को चेंज करेगा इनटू द वर्ल्ड जो उसके हिसाब से बेस्ट है। काइडो ने खुद का क्रू बनाना चालू किया था क्योंकि रॉक्स जो कि उससे स्ट्रॉन्ग था एंड जिसे वो फॉलो करता था, वो मर गया था। एंड शायद दैट थिंग मेड काइडो बिलीव कि अब वही पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, एंड फॉर दैट ही नीडेड अ क्रू, विच इज़ वाई उसने डिसाइड किया था क्रू बनाने का। लेटर जब काइडो वानो आया टू स्ट्रेंथन हिज क्रू, उसे ओडेन मिला। एंड ओडेन काइडो का फाइट तुम्हें पता ही है कैसा हुआ था, राइट? एक्स निशान काइडो के पेट में ओडेन की देन थी। एंड एज आई सेड अर्लियर कि काइडो स्ट्रॉन्ग को रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट करता था। ओडेन के लिए उसका रिस्पेक्ट बढ़ गया था आफ्टर हिज फाइट। एंड यू रिमेंबर ओडेन ने प्रोफेसी बका था तेल में उबलते टाइम कि सालों बाद एक बंदा आएगा जिसके लिए वानो के गेट्स खोलना ज़रूरी है। ये चीज़ काइडो ने सुन लिया था। दिस पैनल डूड, काइडो वॉज लिसनिंग टू वॉट ओडेन वॉज सेइंग। काइडो अंडरस्टूड कि ओडेन जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा अगर मरते हुए भी एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहा है जिसके लिए वानो का ओपन होना ज़रूरी है, देन दिस गाय इन द फ्यूचर विल बी सम स्पेशल गाय। एंड जब यामाटो के थ्रू काइडो को जॉय बॉय के बारे में पता चला, मतलब जब यामाटो के थ्रू उसने जॉय बॉय वर्ड सुना, ही रियलाइज्ड कि जॉय बॉय ही होगा वो जो सालों बाद आएगा जिसके लिए वानो के गेट्स को ओपन करना ज़रूरी है। एंड यहाँ से काइडो डिसाइडेड कि वो वर्ल्ड चेंज करेगा वाइल फॉलोइंग जॉय बॉय। ही एक्सेप्टेड दैट टू अचीव हिज ड्रीम फॉलोइंग जॉय बॉय इज़ इम्पॉर्टेंट। किंग को काइडो ने बोला था कि जॉय बॉय विल बी द वन हु विल डिफीट हिम। दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट काइडो कंसिडर्ड जॉय बॉय स्ट्रॉन्गर देन हिम, एंड वो जॉय बॉय को फॉलो करना चाहता था। इसलिए वो कभी वानो से गया ही नहीं, ताकि जब जॉय बॉय आए तब वो उससे मिल सके। एंड क्योंकि वर्ल्ड चेंज करने के लिए एक आर्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइडो ने अड्डा सा बना लिया वानो में, एंड विद टाइम वो स्ट्रॉन्ग होता ही गया। ही देन वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड फॉर जॉय बॉय, बट जॉय बॉय कभी आया ही नहीं। ऐसा करके 20 साल बीत गए। काइडो 20 साल एक ऐसे बंदे का वेट करने में लगा दिया जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। यू रिमेंबर एस वानो आया था और वो वानो से फिर चले भी गया था बिना काइडो से मिले। एंड बाद में जब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था, काइडो आ रहा था मरीन फोर्ट। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू नो कि क्या एस ही वो जॉय बॉय है जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहा है उसे। लेकिन बीच में शैंक्स मिल गया एंड फॉर सम रीज़न वो वापस वानो लौट गया। यहाँ से चालू हुआ काइडो का डिप्रेशन स्टेज। काइडो हद दारूबाज हो गया, काइडो सुसाइड करने की कोशिश करने लग गया क्योंकि काइडो होप लूज़ कर दिया था कि जॉय बॉय आएगा भी। इसलिए जब बिग मॉम उसे ऑफ़र की अलायंस का, वो मान गया। इवन वन उसका ड्रीम पायरेट किंग बनने का था भी नहीं, बट क्योंकि बिग मॉम से अलायंस करके उसको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मिलता एज वेल एज बिग मॉम मिलती, काइडो थॉट कि बस अब यही एक तरीका बचा है वर्ल्ड को चेंज करने का। अलायंस के बाद काइडो जॉय बॉय के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। नाउ इधर पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा समझना ज़रूरी है कि काइडो लूफी को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जॉय बॉय नहीं मानता था। अगर उसे ऐसा वानो के स्टार्टिंग से ही लगने लगता ना कि लूफी जॉय बॉय है तो वो कभी बिग मॉम से अलायंस बनाता ही नहीं। लूफी के जॉय बॉय नहीं मानने का मेन रीज़न था कि लूफी वन शॉट हो गया था उससे। जैसा मैंने पहले बोला था कि ही थॉट जॉय बॉय विल बी समवन स्ट्रॉन्गर देन हिम, इसलिए वो लूफी को स्टार्टिंग में जॉय बॉय कभी कंसिडर ही नहीं किया। काइडो ने लूफी जॉय बॉय हो सकता है ये सोचना तब चालू किया जब उसने स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ लूफी देखा इन चैप्टर 1000। ही वॉज एस्टॉनिश्ड बाई लूफीज़ ग्रोथ। काइडो का यहाँ से होप बढ़ना चालू हुआ, लेकिन चैप्टर 1009 में ये होप कम हो गया आफ्टर ही नॉक्ड लूफी अगेन। बट चैप्टर 1010 में जब लूफी काइडो के सामने कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन सीख के उस पर अटैक किया, काइडो विटनेस्ड लूफीज ग्रोथ विथ हिज ओन आइज। एंड यहाँ पर काइडो के होप्स फिर से बढ़ गए। काइडो देन थॉट कि भले लूफी उससे अभी वीक है, वो जॉय बॉय हो सकता है। इसलिए काइडो वहाँ से थोड़ा सीरियस होकर लूफी से फाइट किया इस इंटेंशन के साथ कि वो लूफी को उसके पीक पोटेंशियल पे पहुँचा सके। वो लूफी को फुल्ली ग्रो करने में हेल्प करना चाहता था विद द फाइट। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जब लूफी पूरी तरह ग्रो हो जाएगा तब वो उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड देन ही विल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। बट फिर चैप्टर 1013 में लूफी ने काइडो को फिर से डिसअपॉइंट किया एंड वहाँ पर उसने तू भी जॉय बॉय नहीं है वाला स्टेटमेंट मारा। लूफी था इसलिए काइडो वॉर को स्लोली ले रहा था, बट द मोमेंट उसे लगा कि लूफी उसका होप मर गया है, काइडो डिसाइडेड टू रैप द वॉर। यामाटो उससे थोड़ा बिजी रखी एंड जब लूफी चैप्टर 1025 में वापस आया, काइडो के होप्स फिर से बढ़ गए। लम्हा भाई, काइडो के होप्स भाई क्रेजी है भाई। यहाँ से काइडो अगेन स्टार्टेड फाइटिंग लूफी विद द इंटेंशन टू हेल्प हिम ग्रो। इसलिए विथ टाइम काइडो अपने रियल स्ट्रेंथ को अनलिश करता रहा है। एंड अगर तुम देखने जाओ तो उसके ऐसा करने से लूफी भी काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा था। देखो एक चीज़ है, काइडो अपने मन में कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि ये वीक बंदा जॉय बॉय कैसे हो सकता है। वो इस थॉट से भी लूफी से लड़ रहा था। ही वांटेड टू सी कि भाई लूफी का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, जॉय बॉय का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे यकीन हो रहा था एंड वो उस यकीन को पक्का करने के लिए भी लूफी से लड़ रहा था। बट चैप्टर 1043 में काइडो फिर से डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया जब CP0 के दल्ले ने उसके फाइट को इंटरप्ट किया। इधर से काइडो के होप्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। फिर से लमाओ, आई मीन इस बार तो कोई चांस भी नहीं था लूफी का बचने का। बट लूफी हमारा प्लॉट आर्मर किंग इस बार अवेकनिंग हो गया उसके फ्रूट का। ही गॉट हील्ड ड्यू टू अवेकनिंग। काइडो के फिर से होप्स जागे, लेकिन इस बार काइडो को लगा कि लूफी उससे स्ट्रॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी, तभी तो उसका फ्रूट अवेकन हुआ ना। दैट्स हाउ अवेकनिंग वर्क्स। लेकिन वाइल फाइटिंग अवेकन लूफी, काइडो फिर से डिसपॉइंट हुआ इस बार इस चीज़ से कि अवेकन लूफी भी उससे वीक है। He got irritated by the fact that जिसका इतना वेट किया वो भी वीक निकला। लमाओ, हाउ कुड ही फॉलो समवन वीकर देन हिम राइट। शायद यहाँ पे वापस से काइडो को डाउट होने लगा कि भाई ये लूफी जॉय बॉय कुछ नहीं है, ये फालतू बच्चा है बस ऐसी। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में जब काइडो ने लूफी से पूछा कि तू किस तरीके से दुनिया बनाना चाहता है, वहाँ पर लूफी का आंसर उसके एज वेल एज काइडो के फेट को डिसाइड करने वाला था। अगर लूफी कुछ आलतू फालतू सा आंसर देता तो काइडो अपने फ्रूट को अवेकन करके उसको मार देता वहीं पर। लेकिन लूफी ने जो बोला कि उसे ऐसा दुनिया बनाना है जहाँ पर उसके दोस्त दुनिया भर का खा सकें, इस आंसर को सुन के काइडो शॉक हुआ। सी दिस पैनल। एंड तब काइडो को जो रियलाइजेशन हिट हुआ, ही रियलाइज्ड दैट ही नेवर नीडेड टू वेट फॉर अ स्ट्रॉन्गर वन टू अचीव हिज ड्रीम। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट लूफी इज जॉय बॉय। एंड उसे ये भी समझ आ गया कि क्यों लूफी जॉय बॉय है एंड वो नहीं, इवन दो वो लूफी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ही रियलाइज्ड कैसे लूफी उसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होकर भी उससे स्ट्रॉन्ग है। He realized what makes Luffy Joy Boy. He realized what a big loser he is. And there, my friend, he decided to help Luffy in achieving his dream by losing the fight and helping him take the first big step to achieve his dream. This is the main reason why Kaido lost and Luffy won. Luffy ने Kaido को physically नहीं mentally हराया। अगर कोई अगली बार बोले ना कि काइडो बेकार कैरेक्टर है, उसके मुंह पे ये वीडियो मारना और बोलना कि काइडो एक लूज़र था बट बेकार कैरेक्टर नहीं। ही वॉज अ लूज़र टू कीप होपिंग फॉर समवन्स हेल्प इन अचीविंग हिज ड्रीम। ही वॉज अ लूज़र टू बिलीव दैट विदाउट जॉय बॉय ही कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। लूफी मेड काइडो रियलाइज दैट ही वॉज इंडीड अ क्लाउन हु वेटेड ईयर्स फॉर सम स्ट्रॉन्ग पर्सन टू कम एंड अ क्लाउन हु नेवर ट्राई टू अचीव हिज ओन फकिंग ड्रीम। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप तुम्हें सब चीज़ समझ आ गया होगा। एनिमे एक्स वॉलपेपर को डाउनलोड करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि 10K जल्दी करना है। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।